हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 के कुछ रियल क्वेश्चंस। और इसमें मैंने दो पैसेज लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, ये एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और सेम इसी तरीके के पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जैसे सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल एग्ज़ाम्स में। क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता, एक माइनर डिफरेंस होता है। जैसे सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चंस थोड़े से इजी लेवल के हो सकते हैं, जबकि सीजीएल, सीपीओ और स्टेनो के क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल के हो सकते हैं इन टर्म ऑफ डिफ़िकल्टी। अब देखिए, एक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, और एसएससी के जो पैसेज होते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, सिंपल पैसेज आते हैं, और बैंकिंग की तरह ये टेक्निकल या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। इस तरह के पैसेज को आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, डेली बेसिस पर आप रीडिंग करते हैं। तो इस तरह के पैसेज को आप एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में आप कर सकते हैं, और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इस पैसेज को यदि पढ़ें, सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में है ये, तो सरिस्का नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब है कि वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि उनकी जो नस्ल है, उनकी स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म ना हो, आगे चलती रहे। तो एक होता है सेंचुरी और एक होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो बड़ा भी होता है और उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बैन होती हैं, ठीक है। तो ये सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस है। तो यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क की बात हो रही है, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर, यानी जयपुर के पास है, जयपुर से 107 किलोमीटर ये दूर है। द पार्क पजेस का मतलब होता है रखता है, द पार्क में ये चीज़ें हैं, द पार्क पजेस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। पार्क में, नेशनल पार्क में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और टेम्पल्स हैं सरिस्का नेशनल पार्क में, विच डिपिक्ट होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि ये दो हैं, लेकिन ठीक है, विच डिपिक्ट्स द लेगेसी ऑफ द महाराजास ऑफ अलवर, ठीक है, जो दिखाते हैं, डिपिक्ट का मतलब शो करते हैं, दिखाते हैं, लेगेसी यानी विरासत को दिखाते हैं, किसकी विरासत को, जो अलवर के महाराजा लोग थे उनकी विरासत को ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स दिखाते हैं। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स कहाँ पर हैं, सरिस्का नेशनल पार्क में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है, जयपुर से 107 किलोमीटर दूर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा हूँ इस पैसेज का, इसमें जो फैक्ट्स दिए हैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, और इसी एनालिसिस के बेस पर, इसमें जो फैक्ट्स दिए हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द पार्क इज बिगर देन रणथंबोर, रणथंबोर भी एक नेशनल एक पार्क है, इसका भी आपने नाम सुना होगा, तो ये रणथंबोर से भी बड़ा है सरिस्का, ठीक है, बट हैज़ अ सिमिलर टोपोग्राफी, रणथंबोर की से बड़ा है ये, लेकिन रणथंबोर की तरह ही इसकी टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी ज्योग्राफी में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि वहाँ के जो नेचुरल फीचर्स हैं और वहाँ के जो आर्टिफिशियल फीचर्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है। जैसे आर्टिफिशियल फीचर्स में हुआ, जैसे मकान बने हैं, ब्रिज बने हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, सड़कें बनी हैं, और नेचुरल एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे वहाँ पर ट्रीज हैं और वहाँ पर पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो इन दोनों का अरेंजमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। द पार्क इज बिगर देन रणथंबोर, सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो रणथंबोर से बड़ा है, लेकिन सिमिलर टोपोग्राफी है इसकी। दो दिस सेंचुरी डजंट हैव एनी टाइगर येट, हालांकि इस सेंचुरी में, सरिस्का नेशनल पार्क में कोई भी टाइगर नहीं है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ड्वेल ऑन द ग्राउंड ऑफ द पार्क, काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स ग्राउंड पर रहते हैं, ड्वेल का मतलब होता है रहना। अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, कार्निवोरस का मतलब जो मीट खाते हैं, हर्बीवोरस का मतलब जो घास फूस प्लांट ट्री फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो ट्रेस रेसस मंकी विच कैन यूजली बी सीन प्लेइंग ट्रिक्स अपॉन ईच अदर, यहाँ पर आप रेसस मंकी को देख सकते हैं जो कि ट्रिक्स खेलते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, खेलते कूदते उनको आप देख सकते हैं। अराउंड द पाम ट्री के आसपास इन मंकीज को आप देख सकते हैं। द पार्क ऑल्सो शेल्टर्स का मतलब है शरण देना, ठीक है। तो ये पार्क शरण देता है मैनी डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज को, जो कि बर्ड्स की स्पीसीज हैं। इन बर्ड्स का नाम है बुश क्वेल्स, सैंड ग्राउजेस, ट्री पाइस, गोल्डन पैक वुड पैकर,
सरपेंट ईगल्स एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न ओल्स, ये इतनी सारी बर्ड्स हैं यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क में. एनिमल लवर्स वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस. जो एनिमल लवर्स हैं वो इस जगह से प्यार करेंगे, इस जगह, ये जगह उनको काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है. एज इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, क्योंकि ये ऑफर करता है बहुत ही बेहतरीन सीन्स जिनको याद रखा जा सकता है. यहाँ पर एज का मतलब है बिकॉज, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे सीन्स ऑफर करता है. द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ इज एट वाटर होल्स वेयर एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट. पक्षी लोग जो अपनी प्यास बुझाने आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वाटर होल्स में. यू कैन ट्रेस हंड्रेड ऑफ वर्ड्स, आप काफ़ी सारे बर्ड्स को यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं. एट द काली घाटी वाटर होल्स एंड नील गाय कैन बी स्पॉटेड एट सलुपका वाटर होल, ठीक है, नील गाय को देखा जा सकता है सलुपका वाटर होल पर. तो इस तरीके से पैसेज को पढ़ना है, एनालाइज करना है, एक एक लाइन को एनालाइज करना है. जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत तेजी से एनालाइज कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही सही आप दे पाएंगे. इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर, सरिस्का नेशनल पार्क में किस तरह के एनिमल्स हैं? कार्निवोरस भी हैं और हर्बीवोरस भी हैं. हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस यू कैन ऑल्सो ट्रेस मंकी, ठीक है. कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों ही तरह के एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इसका आंसर होगा, इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस एनिमल्स. एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट एट ए, एनिमल्स कहाँ पर अपनी प्यास बुझाने आते हैं? एनिमल्स आते हैं वाटर होल पर, ठीक है, सी इसका आंसर होगा. सैंड ग्राउस किसकी स्पीसीज है? सैंड ग्राउस हमने पढ़ा था, एक एक बर्ड है, दिया हुआ है पैसेज में. तो इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं नॉर्मली. सरिस्का नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, देखिए थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरिस्का नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. कहाँ से? जयपुर से, क्योंकि जयपुर से ये 107 किलोमीटर दूर है. द पार्क पजेस, पार्क क्या क्या चीज़ें हैं पार्क में? पार्क में मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं, हमने पढ़ा था कि मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं, डी इसमें आंसर होगा. तो इस तरह के पैसेज आते हैं और इसमें आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है. ये दूसरा एक पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं और इसको भी हम एनालाइज करते हुए जाएंगे और इसके आंसर्स तुरंत आप कर सकते हैं. यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैव रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब रीगेन, फिर से प्राप्त करना किसी चीज को, ठीक है. रिस्टोर्ड वर्ब फॉर्म है और रिस्टोरेशन इसका इसका नाउन फॉर्म है. साइंटिस्ट हैव रिस्टोर्ड पार्ट ऑफ ए फॉसिल ऑफ ए रेयर, फॉसिल होता है जो उसका बहुत पुराना सा बचा हुआ सा जो पार्ट होता है, जो लाखों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स थे उनका जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, उनका उनके जो रिमेन्स रहते हैं उनको फॉसिल बोलते हैं, ठीक है. पार्ट ऑफ ए फॉसिल ऑफ ए रेयर डायनासोर दैट लिव्ड मोर देन 90 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द क्रीटेशियस पीरियड इन व्हाट इज नाउ इन मंगोलिया. इसका मतलब क्या है? देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइंटिस्ट ने रिस्टोर कर लिया है, क्या कर लिया है? पार्ट ऑफ ए फॉसिल, एक फॉसिल जो जो एनिमल है उसके पार्ट को रिस्टोर कर लिया है. एक रेयर डायनासोर था जो कि 90 मिलियन ईयर्स अगो रहता था, कहाँ पर? इस पीरियड में वो रहता था. और इन जगह का नाम क्या है? वो जगह जो है वो अब मंगोलिया में है, ये इसका मतलब निकला. फॉसिल के एक पार्ट को उन्होंने रिस्टोर कर लिया है, ठीक है. जैसे एनिमल जब डेथ हो जाती है उसका एक फॉसिल मिलता है, उस फॉसिल को एनालाइज करके उसकी हिस्ट्री हम जान सकते हैं. तो ये साइंटिस्ट ने इसमें किया है. द फोकस ऑफ द स्टडी वॉज द स्कल ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर कॉल्ड, देखिए यहाँ पर एक कठिन सा नाम दिया है, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है. साइंटिस्ट ने जो फोकस किया है वो इस डायनासोर की खोपड़ी पर किया है, स्कल हम बोलते हैं खोपड़ी को, ये इसका नाम है एर्लिकोसॉरस एंड्रोसी, ये इसका नाम है. और ये जो डायनासोरस है ये 10 से 13 फुट लंबा था और हर्बीवोरस था. ये इस डायनासोर का नाम था थेरीजी नोसोर, ठीक है. यूजिंग अ डिजिटल मॉडल ऑफ द फॉसिल, फॉसिल का एक डिजिटल मॉडल बनाया, ठीक है. द टीम वर्चुअली डिस डिस
देखिए एक वर्ड होता है असेंबल, असेंबल मतलब जोड़ना, डिसअसेंबल मतलब अलग अलग करना। तो टीम ने क्या किया, टीम ने प्रैक्टिकली डिसअसेंबल किया स्कल ऑफ दिस डायनासोर, उसकी खोपड़ी के जो अलग अलग पार्ट्स थे उसको डिसअसेंबल किया और इनटू इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसके जो अलग अलग पार्ट्स थे उनको अलग 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 किया। दे देन डिजिटली फिल्ड इन एनी ब्रेक्स एंड क्रैक्स, और डिजिटली उसकी खोपड़ी में, उसके स्कल में जो ब्रेक्स और क्रैक्स थे या बोन्स में जो थे उनको फिल किया। दे देन डिजिटली फिल्ड इन एनी ब्रेक्स एंड क्रैक्स इन द बोन्स। डुप्लीकेटेड मिसिंग एलिमेंट्स, मिसिंग जो एलिमेंट्स थे उनको डुप्लीकेट बना के वहाँ पर फिल किया। एंड रिमूव्ड डिफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक, ये टेक्निक उन्होंने अप्लाई की, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक। डिजिटली रिवर्सिंग द स्टेप ऑफ द डिफॉर्मेशन, इन द फाइनल स्टेप द रिकंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स वर रीअसेंबल्ड, पहले अलग किया और उनको अच्छे तरीके से ब्रेक और क्रैक जो थे वहाँ पर फिल किया और रिकंस्ट्रक्ट किया उनको फिर से, रीअसेंबल मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया। दिस अप्रोच नॉट ओनली अलाउड रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्लीट स्कल ऑफ दिस डायनासोर, इस प्रोसेस से कंप्लीट उसकी उसकी जो स्कल थी उसको वो रिस्टोर कर पाए कि ऐसी स्कल थी, वो जो डायनासोर था लाखों करोड़ों साल पहले उसका जो स्कल था वो ऐसा था, उन्होंने ऐसा बना दिया आर्टिफिशियल तरीके से। बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स विथ मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सच एज सीटी स्कैनिंग एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन, वी नाउ हैव पावरफुल टूल्स एट अवर डिस्पोजल, और अब हमारे पास पावरफुल टूल्स हैं। एट अवर डिस्पोजल का मतलब होता है हमारी सेवा में, हमारी सेवा में पावरफुल टूल्स हाजिर हैं विद विच, जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट अ स्टेप क्लोजर टू रिस्टोर फॉसिल एनिमल्स टू देयर लाइफ लाइक कंडीशन। और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉसिल है, कोई भी एनिमल का लाखों करोड़ों साल पुराना फॉसिल है, उसको हम लाइफ लाइक सिचुएशन में, कंडीशन में ला के देख सकते हैं कि ये कैसे बिहेव कर सकता था, करता था। ठीक है, ये स्टीफन स्टीफन लॉटेन लार्च, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ब्रिटेन के हैं, उन्होंने ये पूरी रिसर्च के हेड हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा सारा ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। देखिए द साइंटिस्ट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ, साइंटिस्ट ने डायनासोर के किस पार्ट पर फोकस किया, स्कल पर फोकस किया, बी आंसर है इसका। ठीक है, द टीम अप्लाइड, टीम ने कौन सी टेक्निक अप्लाई की, टीम ने अप्लाई की रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक। द मेन इंटेंशन ऑफ स्टीफन लॉटिन लार्जर वॉज, स्टीफन लॉटिन लार्जर का जो मेन इरादा था वो क्या था, उनका मेन इरादा था रेस्टोरेशन ऑफ द फॉसिलाइज्ड एनिमल्स टू लाइफ, जो फॉसिलाइज्ड एनिमल हैं उनको वापस वापस जीवित अवस्था में देखना। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। द थेरिजिनसोर एट ओनली, ये एक डायनासोर का नाम है। ठीक है, ये हमने पैसेज में पढ़ा है कि ये हर्बी बोरस था। हर्बी बोरस एट का मतलब वो क्या खाता था। ठीक है, तो वो प्लांट्स और फ्रूट्स, हर्बी बोरस के बाद प्लांट्स और फ्रूट्स ही खाते हैं, मीट वो नहीं खाते, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पैसेज पूछे जाते हैं। द रेस्टोरेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द फॉसिल ऑफ द डायनासोर वॉज पॉसिबल बाय अ प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से उन्होंने उसको रिस्टोर किया, तो इसका सही आंसर होगा डिसअसेंबलिंग। डिसअसेंबल पहले किया फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करके उनको रिस्टोर किया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डिसअसेंबलिंग। उनके पार्ट्स को अलग अलग किया, स्कल के पार्ट्स को, और फिर क्रैक्स क्रैक्स में फिलिंग करी डिजिटली और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इस तरीके से ये SSC स्टेनो एग्जाम्स में ये पैसेज पूछे गए हैं, और इन पैसेजेस को एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेली बेसिस पर आप रीडिंग करें, कुछ भी पढ़ें, ये जरूरी नहीं है कि द हिंदू पढ़ें या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें, आप कोई भी मैगजीन या जो बच्चों की मैगजीन्स होती हैं रीडिंग, जो जो चंपक और इस तरह की जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स आप अपनी डेवलप करें यदि आप SSC के किसी भी एग्जाम में निकलना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग स्किल से क्लोज टेस्ट पैराजंबल में भी फायदा होगा, फिलर्स में भी फायदा होगा, ग्रामर में भी फायदा होगा, हर जगह उससे फायदा होगा, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में भी उससे फायदा होगा।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए रेगुलर बेसिस पर, और इसके थ्रू डेफिनेटली आपको सफलता मिल सकती है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।